Uh, product that has minimum मिनिमल टू मॉडरेट फार्मोकोलॉजिकल एक्टिविटी बट इट इज रिस्ट्रिक्टेड इन यूज टू स्पेसिफिक इंडिकेशन अब इसमें जैसे बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं क्वासीड्रग एक तरीके का यूनिक प्रोडक्ट होता है जिसको क्लासीफाई किया था जापान ने और इस क्वासीड्रग का जैसे डेफिनेशन देखे जापान जापान वालों ने इसका डेफिनेशन जैसे बोला कि ये जो प्रोडक्ट रहता है इसमें जो है मिनिमम क्वांटिटी में जैसे देखे बहुत ही कम ये है ये जो है फॉर्मोकोलॉजिकल एक्टिविटी जो है शो करता है लेकिन इसमें जैसे देखें तो फिर बट इट इज रिस्ट्रिक्टेड इन यूज टू स्पेसिफिक कंडीशन मतलब कि कुछ कंडीशन में इस चीज को रिस्ट्रिक्टेड किया गया है मतलब कि इस पे आ, न, रोक लगाया गया है इस तरीके से इसको बोल सकते हैं आगे जैसे देखें तो फिर प्रोडक्ट्स इन दिस क्लास इंक्लूड सम एनर्जी ड्रिंक्स कंटेनिंग टावरिन एंड सम विटामिन प्रिपेरेशन हेयर टॉनिक टूथ प्रिपेरेशन बाथ प्रिपेरेशन एंड स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स एक्ने प्रोडक्ट्स एंटी रेन्ड्र शैम्पू ये सब चीज जो है इसके अंदर आ जाते हैं जैसे कि इसमें बोला जा रहा है कि कई सारे इसके अंदर इस क्लास के अंदर कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं एनर्जी ड्रिंक आ जाता है कुछ विटामिन प्रिपरेशन आ जाता है हेयर टॉनिक बाथ प्रिपरेशन स्किन व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स एक्ने प्रोडक्ट्स एंटी डैंड्रप शैम्पू तो ये सब चीज जो है इसके अंदर आ जाते हैं जो क्वासी ड्रग्स रहते हैं इसके अंदर अब जो क्वासी ड्रग है इसको समझने के लिए हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो क्वासी ड्रग्स रहता है इसमें कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल इसके बीच का जो है हमारा ये जो है प्रोडक्ट रहता है मतलब कि इसके दोनों का जो है इसमें आ, क्या बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज प्रेजेंस रहती है उसके अंदर होती है ये पूरी तरीके से ना कि ना कॉस्मेटिक रहता है ना ही कि ये इसमें पूरी तरीके से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स रहता है ये इस दोनों के बीच रहता है मतलब कि दोनों इसमें थोड़े थोड़े क्वांटिटीज इसमें प्रेजेंस रहते हैं तो इसलिए इस चीज को क्वासी ड्रग्स के नाम से बताया गया है आगे जैसे देखें फ्लोरिनेटेड टूथपेस्ट हेयर डाई मेनी अदर्स अब ये सब चीज भी उसके अंदर आ जाते हैं दिस प्रोडक्ट्स आर कंसिडर्ड एज लाइन मेडिसिनल प्रोडक्ट्स अब इसका जो है इस प्रोडक्ट का बहुत ही आ, स्पेसिफिक रूप से ही इसका यूज जो है वो किया जाता है अब इसमें मैकेनिज्म ऑफ क्वासीडक्ट्स को जैसे देखें तो फिर बोला जा रहा है मेनी प्राइवेट कंपनीज ओरिजिनेटेड बेस्ड ऑन वेरियस मैकेजम्स ऑफ स्किन लाइटनिंग फीकेसी अब इसमें जैसे बोला जा रहा है कि कई सारे जो प्राइवेट कंपनीज थोड़े से काम किए उसमें डेवलपमेंट किए और इन्होंने क्या किया स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स पे काम करने लगे मतलब कि स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स पे थोड़े से उन्होंने थोड़ा डेवलपमेंट किया इसका मेजर टारगेट जैसे देखिए द मेजर टारगेट ऑफ दिस क्वासी ड्रग्स इज टायरोनोसाइट विल सम कॉसिडक्स वर्क ऑन क्रेटोनोसाइट और ऑन एपिडर्मल मेटाबोलिज्म अब इसमें जैसे बोला जा रहा है इसका मेन टारगेट जो है क्वासीड्रग्स का मेन टारगेट ये रहता है कि टारगेट मतलब करता, करता है उसके प्रोडक्शन को रोकने के लिए जैसे बोले विल समीड्रग्स वर्क ऑनरेटोनाइस केरेटोनोसाइट ऑन एपीडर्मल मेटाबोलिज्म अब ये जो एपीडर्मल सेल पे जो एपीडर्मल जो लेयर रहता है उसमें दो तरीके के सेल प्रेजेंस रहता है एक रहता है रेटोनोसाइट एंड मेलेनोसाइट तो इसमें केरेटोनोसाइट पे भी जो है टारगेट करता है ये जो दो चीजों पे वर्क कर रहा है दो चीजों पे टारगेट करता है टायरोसुनेस मेलेनोसाइट एंड कैरेटोनोसाइट पे ठीक है तो ये दो तरीके से इसको बताया जा रहा है कि ये इस चीजों पे टारगेट करता है देन द डिक्रीज टाइरोसोनेस प्रोटीन लेवल स एम आर एन ए लेवल एंड हेल्प टू स्किन लाइटिंग अब इसमें जैसे देखें तो ये क्या करता है टायरोसिनेस प्रोटीन लेवल को कम कर देता है रेड्यूस कर देता है और हेल्प करता है हमारे स्किन को लाइटनिंग बनाने में के लिए अब इसमें मैकेनिज्म जैसे देखें तो ये किस तरीके से करता है इसको थोड़ा सा बायोलॉजी के लिए अगर देखें तो फिर हमारा सबसे ऊपर लेर रहता है इपीडरमिश अब इपीडरमिस में भी दो तरीके की उसमें सेल्स प्रेजेंस रहते हैं फर्स्ट रहता है ना एंड सेकंड जो रहता है हमारा, मेलेनोसाइट अब इसमें फर्स्ट है किरिटोनोसाइट किरिटोनोसाइट का काम यह रहता है कि ये हमारे सनलाइट जो रहता है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है और जो मेलेनोसाइट है वो यानी कि सबसे डीपर लेयर रहता है जैसे बोल सकते हैं ये अपर लेयर में हमारा है मेलेनोसाइट डीपर लेयर में है हमारा केरेटोनोसाइट ये जो है दो तरीके से ये सेल रहते हैं जो हमारे स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है अब ये जो मेलेनोसाइट है ये क्या करता है कि अगर सनलाइट हमारी स्किन पे आता है तो उसको डैमेज होने से रोकने के लिए क्या करता है ये केरेटोनोसाइट हेल्पफुल रहता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है और ये जो मेलेनोसाइट है वो क्या करता है वहां से ये जो है मेलनिन प्रोडक्शन करता है और ऊपर का जो लेयर रहता है स्किन का उसको वो यानी कि उसको बचाने के लिए जैसे देखें तो मेलेनिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करके उस अपर लेयर को प्रोटेक्ट करता है और हमारे स्किन को यानी कि बचाता है तो उससे क्या होता है कि हमारा जो स्किन है वो थोड़ा सा काला पड़ने लग जाता है ठीक है अब इसके कारण से क्या ये किस कारण से हो रहा है सनलाइट पड़ने से क्या हो रहा है हमारा स्किन जो है वो डैमेज हो रहा है उसको प्रिटेक्ट करने के लिए इसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जा रहा है अब इसी के प्रोडक्शन को डिक्रीज करने के लिए क्या किया जा रहा है क्वासी ड्रग्स पे यानी कि टारगेट किया जा रहा है क्वासी ड्रग्स यूज किया जा रहा है किस पे टारगेट किया जा रहा है और टायरोसिनेज या फिर केरोटोना जो सेल्स रहते हैं उस पर ये जो है टारगेट कर रहे हैं ताकि उसके जो प्रोडक्शन को कम कर सकें और हमारा जो स्किन है वो जो काला हो रहा है उसको हम लोग थोड़ा से लाइट कर सकें लाइटनिंग बना सकें इस तरीके से ठीक है तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म अब सेकेंड होता है हमारा कॉस्मेटिक एस ओटीसी ड्रग अब ओटीसी ड्रग के बारे में जैसे देखे तो ओ ड्रग क्या होता है इंट्रोडक्शन जैसे देखें तो इसमें बोला जा रहा है ओवर द काउंटर ओवर द काउंटर मेडिकेशन अब इसमें सेकेंड है हमारा कॉस्मेटिक एस ओ टी सी ड्रग्स ओ टी सी ड्रग क्या होता है इसके बारे में जैसे देखें तो फिर इंट्रोडक्शन uh, जैसे देखें ओवर द काउंटर इज आल्सो नोन एज अ ओ टी सी ड्रग और नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग इसमें जैसे बोला जा रहा है कि जो हमारा ओवर द काउंटर ड्रग रहता है इसको हम लोग जानते हैं ओ टी सी ड्रग के नाम से भी और नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के नाम से भी हम लोग इस चीज को जानते हैं ऑल दिस टर्म्स रिफर टू मेडिसिन दैट यू कैन बाय विथआउट अ प्रिस्क्रिप्शन अब इस तरीके के जो ड्रग रहते हैं मेडिसिन रहते हैं हम लोग इसको खरीद सकते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के द एफ डी द अथॉरिटी टू रेगुलेट पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स दैट कंटेन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स दैट वन दैट आर ओवर द काउंटर ड्रग्स अब जैसे कुछ जो हमारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो हैं एक्टिव इन्ग्रेडियंट कंटेंट करते हैं तो वो जितने भी प्रोडक्ट आ जाते हैं वो हमारे क्या रहते हैं ओ टी सी ड्रग रहते हैं ओवर द काउंटर ड्रग रहते हैं इसका जो बेस्ड एग्जाम्पल जैसे देखें अगर हम लोग मेडिसिन के बेस में देखें तो फिर इसमें हमारा आ जाता है पैरासीटामॉल जो रहता है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ओटीसी ड्रग का अब आगे जैसे देखें इसमें कॉस्मेटिक एस ओ टी सी ड्रग इसमें कई सारे आ, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में जैसे ओटीसी ड्रग के बारे में जैसे देखें तो फिर फर्स्ट है हमारा एंटी एंटीडेंड्रफ एजेंट ये सब जो चीज जो है वो हमारे कॉस्मेटिक ओटीसी ड्रग्स हैं है ना एंड एंटी एंटीडेंड्रफ एजेंट शैम्पू फ्लोराइड फ्लोराइड टूथपेस्ट सन प्रोटेक्टिंग एजेंट सनस्क्रीन एंड एंटी एंटीपेरेस्पिरेंट एजेंट डिओड्रेंट अब ये सब जो है हमारे कॉस्मेटिक ओटीसी ड्रग है जो हम लोग यूज करते हैं आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या होता है क्वासी ड्रग और क्या होता है ओटीसी ड्रग्स अगर आज का वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो